नमस्कार दोस्तों, द इंडिया पोस्ट की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आयुष्मान पांडे आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताएं कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पेशे से डॉक्टर रहे हो, वह बैरिस्टर रहे हो, IAS IPS के अधिकारी रहे हो, वह चित्रकार रहे हो, वह फोटोग्राफर रहे हो, वह विधायक रहे हो और वह बहुत चीज़ है। मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं बता ही नहीं सकता। वह मोटिवेशन स्पीकर भी रहे हो और पत्रकार भी रहे हो, वह मैथ्स, संस्कृत, हिस्ट्री और इकोनॉमी, इसके बारे में बहुत अच्छी सी नॉलेज रखी हो। तो आप सोचे होंगे आयुष्मान ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, किसी एक अकेले आदमी की बात नहीं है। दोस्तों मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, आपको पता नहीं होगा लेकिन इंडिया में एक ऐसा आदमी थे जो IPS रह चुके हैं, वह पत्रकार रह चुके हैं, वह बैरिस्टर रह चुके हैं, वह डॉक्टर रह चुके हैं। मैं आज उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी 49 ईयर्स के जब वो थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, वह रोड एक्सीडेंट में वो मारे गए। तो मैं और किसी की नहीं, मैं श्रीकांत जिचकर जी के बारे में बात करने वाला हूँ। श्रीकांत जिचकर जी का जन्म 1954 में एक संपन्न मराठी कृषक फैमिली में हुआ था। 20 से ज़्यादा डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की हुई है, वे यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी है। और उनके बारे में मैं और भी बताना चाहता हूँ, मैं उनके डिग्रियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो उन्होंने हासिल की। उन्होंने MBBS हासिल किया है, वह MD में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने BJMC यानी बैचलर्स इन जर्नलिज्म उन्होंने किया है, वह LLB LLM उन्होंने किया है, MBA भी किया उन्होंने, वह संस्कृत में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी उन्होंने किया है और वह उन्होंने MA किया है काफ़ी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी भी किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी 2 या 3 डिग्रियां रखता है, उन्होंने 20 से ज़्यादा डिग्रियां रखी है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, श्रीकांत जी 1978 बैच के IPS भी रह चुके हैं और 1980 बैच के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। 1980s में उन्होंने अपनी नौकरी सिर्फ 4 साल तक की, 1980 में उन्होंने अपनी IAS की नौकरी सिर्फ 4 महीने की, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1981 को वे महाराष्ट्र के विधायक बने और आपको ताज्जुब होगा उनकी उम्र 26 साल थी, वे कम उम्र में विधायक बने, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी बने। वो उनकी 14 पोर्टफोलियो हासिल किए उन्होंने, वे काफ़ी प्रभावशाली मंत्री भी रह चुके हैं। वे 1992 से 1998 तक वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंज भी लेकर आए हैं। लेकिन 1999 में उनकी लाइफ में एक चेंज आया था और वो चेंज था कैंसर। उनको लास्ट स्टेज का कैंसर था और डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीना ही है जीने के लिए। और आप जानते हैं कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसका रिकवरी रेट 30% है अगर किसी आदमी को होता, वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है। तो वह लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर एक दिन वहाँ एक सन्यासी है, उन्होंने श्रीकांत जी को देखा और उनके पास आकर संस्कृत के श्लोक बोलने लगे, जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम मर नहीं सकते, तुम्हें अभी और काम करना बाकी है। और आप मानोगे नहीं, एक चमत्कार हुआ और श्रीकांत जी एकदम रिकवर हो गए कैंसर से और एकदम वो फिट हो गए, उनकी हेल्थ अच्छे से रिकवर हो गई, उन्होंने कैंसर को हरा दिया। अब इसे चमत्कार समझो या साइंस या टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट,
बट जो है आपके सामने है। वह संस्कृत भाषा से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी किया और फिर उसी के बाद और ये करते हुए वह यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े टॉप वह संस्कृत भाषा से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी किया संस्कृत में और वह यूनिवर्सिटी के टॉपर भी थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, जैसे उन्होंने पुणे में स्कूल बनाया जिसका नाम था संदीपनी स्कूल, उसको उन्होंने बनाया, और नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की। उनका मानना यह था कि अगर संस्कृत भाषा इसलिए उन्होंने प्रमोट की क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी लाइफ संस्कृत भाषा में समर्पित कर दे। उनका कहना यह है कि वह चाहते हैं कि संस्कृत भाषा है वो भारत के हर घर में यूज़ हो, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वह उनसे टैकल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ है तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है मॉडर्न डिजीज़ से कैसे लड़ना है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, मतलब जो आजकल जो यूजुअल है ना, जो हम जो बूढ़े लोगों को हो रही है या फिर बच्चों को हो रही है, उनकी आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट कैसे करें, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट विगोरसली रिएक्ट करती है हमारी बॉडी में और वो डिपेंड करती है दवाई टू दवाई, लेकिन आयुर्वेद का क्या कहता प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है और प्लस बॉडी में भी अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है और फिर कुछ पता भी नहीं लगता और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन एलोपैथी के है। तो इसलिए वह चाहते हैं कि आयुर्वेद, जिसको संस्कृत आ गई, वह वेद पुराण तो आराम से पढ़ लेगा, तो फिर वही मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन बुरी बात यही थी कि 2 जून 2004 को उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका कार एक्सीडेंट हुआ था नागपुर से 60 किलोमीटर पहले, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरीके से, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फिर ऐसे एक महान आदमी को मेरा शत शत नमन।